दोस्तों, आज हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और मेरे साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित रमेश किचलू जी मेरे साथ बैठे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कश्मीर से हैं, कश्मीरी पंडित हैं। और दूसरे हमारे कश्मीरी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं सुधीर जी। और मेरे राइट साइड में हमारे वाल्मीकि समाज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भाई सुधीर प्राचार्य भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि इस देश में ब्राह्मण आदिकाल से एक ऐसी भूमिका में रहा है जो पूरी दुनिया का भला चाहता है, हर कौम का भला चाहता है, और ब्राह्मण ने कभी भी जातिवाद की बात कभी की नहीं है। कश्मीर में 89 और 90 में जो हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ और कश्मीर को हमने सारी जायदाद और सब कुछ छोड़ के कश्मीर से बाहर आना पड़ा, हमारे कितने बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग, महिलाएं और हमारी बच्चियां, उन्होंने सादत दी इस देश के लिए और उस कश्मीर को बचाने के लिए। लेकिन किसी भी ब्राह्मण ने, किसी भी पंडित ने, पूरी कौम ने कभी भी उसको ऐसे उसका प्रतिकार, यानी जिस तरीके से ईंट का बदला पत्थर से लोग देते हैं, हमने इस देश को बचाने के लिए, यहाँ की शांति रखने के लिए पूरा बलिदान दिया है। चाहे आज़ादी की लड़ाई थी, चाहे 1857 से पहले और 1857 के बाद, और आज भी जो सफ़र इस देश में ब्राह्मण कर रहा है और जो हर चीज़ में अपना बलिदान देता है, ये पूरी कम्युनिटी देती है। लेकिन कुछ लोगों ने ये शो कर दिया कि ब्राह्मण जो है ये जातिवादी है, वो अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए आज देश को बांटना चाहते हैं, और पूरी हिंदू कौम पे, पूरे हिंदुओं पे एक ऐसा आतंक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है, कुछ समय पहले हमारे एक कश्मीरी पंडित भाई को, मिस्टर बिंद्रू, उनके जो 90 में भी लोग निकले, उन्होंने कश्मीर छोड़ा नहीं और वहाँ सेवा की, हर कौम की सेवा की, हर धर्म के लोगों की सेवा की, उनको मार दिया गया। फिर हमारे एक सिख भाई को मारा, सिख बहन को स्कूल में जाके, और ये पूछ पूछ करके कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। हम लोग बहुत दुखी हैं। 30 करोड़ से ज़्यादा हमारी पूरे देश में तादाद है, और ये देश हमारा है, इस देश को हम अपना मानते हैं। आज का जो हालात है कश्मीर में, नरसंहार, और तमिलनाडु में ख़ास तौर से एक ऐसी सरकार आ गई, ऐसी पार्टियों की सरकार आ गई है तमिलनाडु में, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और जो हमारे शास्त्र हैं जिसको दुनिया मानती है, उनका कहना है कि आप उस शास्त्र के मुताबिक संस्कृत में मंत्र उच्चारण नहीं करेंगे। वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, मुझे लगता है पागल हो गया है, स्टालिन, और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा तमिल में ही आप मंत्र चैंटिंग करेंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या? साउथ इंडिया में किसी भी भाषा से ज़्यादा संस्कृत को पढ़ा जाता है, और वहाँ जो टेंपल हैं वो इतने पावरफुल टेंपल हैं, उनको डिमोलिश करना, हमारी संस्कृति को ख़राब करना, और वहाँ ब्राह्मण माइनॉरिटी में आ गया। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ ब्राह्मण माइनॉरिटी में आ गए। और माइनॉरिटी का ये है कि वहाँ वेलफेयर बोर्ड भी बने हैं एक आध स्टेट में,
लेकिन जो पैसा वेलफेयर बोर्ड में दिया जाता है वो उस पर ब्राह्मणों पर खर्चा ही नहीं होता है। और ये कोशिश की जा रही है, कश्मीर के पंडित, तमिलनाडु के पंडित, केरला में रहने वाले ब्राह्मण, साउथ इंडिया में रहने वाले ब्राह्मण, उनको आतंकित कर दिया जाए और इन स्टेट को छोड़ के वो चले जाएं और इस देश को तोड़ने में उनकी एक कामयाबी मिले। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, ब्राह्मण कम्युनिटी कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। 30 करोड़ ब्राह्मण इन स्टेट के, चाहे कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, उड़ीसा हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ब्राह्मणों पर जहाँ भी कोई जाति करने की कोशिश करेगा, इस देश का 30 करोड़ ब्राह्मण, 30 करोड़ से ज़्यादा हमारी तादाद है, उनकी पीठ पे खड़ा होगा और इस देश को और इस कम्युनिटी को हम टूटने नहीं देंगे। दूसरा, कश्मीर में हमारे वाल्मीकि भाई वहाँ पे, जो वहाँ के राजा रजवाड़े थे, जब वहाँ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई, उन्होंने कहा कि हिंदुओं में एक ऐसी कौम है जो सफाई का जो काम करते हैं, सिर पे मैला ढोते हैं, उनको पंजाब से ले आओ। और वाल्मीकि की 200 से ज़्यादा फैमिली वहाँ लेके आए, आज वो 2-2.5 लाख के करीब लोग हैं, लेकिन उनको ना उनको वो मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, नागरिकता नहीं मिलेगी, और उस जो प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा नहीं होगा, कोई राइट्स नहीं, कोई ऐसा राइट्स। कानून ले आए, 2 लाख से ज़्यादा हमारे वाल्मीकि भाई वहाँ तड़फ गए और मेला ढोते ढोते उन्होंने जो नरकीय जिंदगी जी है, आज जो कल आदरणीय गृहमंत्री, हम किसी पार्टी के वो नहीं है, अगर कोई ये सोचे कि हम किसी पार्टी बाजी में ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस देश के प्रधानमंत्री ने सपना देखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और उस सपने में अभी जो गृहमंत्री गए हैं कश्मीर में, आज भी कश्मीर में हैं, आज हमारा सिर ऊंचा हो गया जब वो सवेरे खीर भवानी मंदिर में उन्होंने मत्था टेका है। आज सारे हिंदुओं का, जिस खीर भवानी मंदिर में जाते हुए पैर कांपते थे, आज इस देश के दूसरे सरदार पटेल वहाँ गए और उन्होंने मत्था टेका, गुरुद्वारे में भी गए और वहाँ भी गए, इससे पूरी माइनॉरिटी में एक ताकत खड़ी हुई है। तो आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने जो आज वहाँ पे उद्घाटन किए हैं, वहाँ पे IITs, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और शारजा के लिए फ्लाइट और UAE का इन्वेस्टमेंट, और आज एक नया रास्ता दिखाया और कश्मीर और जम्मू की धरती पे उस लौह पुरुष ने जो भाषण दिया है, पूरी कम्युनिटी, हिंदुस्तान के तमाम 30 करोड़ से ज़्यादा ब्राह्मण पार्टी पॉलिटिक्स को भूल के और वहाँ के वाल्मीकि भाई, उनको सैल्यूट करते हैं और आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण होने के नाते, कि उनको परमात्मा ताकत दे और कश्मीर में कोई भी आदमी जा कर के वहाँ रह सके, और वहाँ जो कश्मीर में हमारे भाई वाल्मीकि भाई रह रहे हैं और ब्राह्मण रह रहे हैं जो, उनके साथ इस देश का पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा होगा। आज हम लोगों ने एक फैसला किया है कि सरकार, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री से हमारी अपील है कि तमिलनाडु सरकार को तुरंत बर्खास्त करे। तमिलनाडु की जो सरकार है वो बर्खास्त होनी चाहिए, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही है, और उस सरकार को सपोर्ट जो भी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, उसमें कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी है जो उसको वहाँ सपोर्ट कर रही है, आवाज़ नहीं निकल रही है। और जो लोग यहाँ कह रहे हैं आज कश्मीर क्यों नहीं जाते हैं, जो केजरीवाल कभी अयोध्या की बात कर रहे हैं, कभी कहीं की बात कर रहे हैं, जाओ ना लाल चौक पे झंडा फहराओ। हमारे ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन के हमारे एक साथी और एक हमारी बहन ने वहाँ लाल चौक पे भाषण भी किया है और तिरंगा भी लहराया है। आज भी हमारे साथी वहाँ पे, हमारे जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने वो छोड़ा नहीं है मैदान, और जो हमारे बच्चे नौकरी की तलाश में, नौकरी जो PM पैकेज में लगे हैं वहाँ पे, आज उनकी सिक्योरिटी का इशू है, आज उनकी सेफ्टी का इशू है, और उनकी वो सेफ्टी महसूस नहीं कर रहे हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि कश्मीर में जो PM पैकेज में गांव-गांव में जाके हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, वहाँ पे वहाँ के DM, वहाँ के पुलिस का जो SHO है,
या इंस्पेक्टर है और SDM इनकी ड्यूटी लगनी चाहिए। अगर किसी भी ब्राह्मण का, पंडित का, जो PM पैकेज में लगे हैं, उनका अगर कोई बाल भी उखाड़ता है तो उसको नेस्ताबूत कर दें और उन लोगों को टर्मिनेट करें सर्विस से, जो DM और वहाँ का SSP और जो SDM है। अगर वहाँ कुछ भी होता है तो इनकी जिम्मेदारी लगनी चाहिए। तो हमारे बच्चे ये महसूस करें कि अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं आ सकती। रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं। जिस दिन से मोदी जी बैठे हैं, पाकिस्तान और दूसरे जो दुनिया में भारत की जो छवि है वो हुई है। हमको राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी जो तकलीफ है, हमारी और वाल्मीकि भाइयों की जो तकलीफ है कश्मीर के अंदर, उसका रेस्टोरेशन है। वहाँ कमीशन, एक तो ब्राह्मणों के लिए SC ST और जो OBC के तर्ज पे जो कमीशन बनाए गए हैं, इस देश में एक फुल फ्लेज्ड कमीशन बनना चाहिए। जो आज ब्राह्मणों को एक मुख्यमंत्री का बाप, उनके पिताजी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की रोज़ गलियाते हैं, रोज़ गाली देते हैं खड़े होके, और कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन कोई सरकार किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करती है। तो ब्राह्मण जब माइनॉरिटी में है, वो देश छोड़ करके आज NASA में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, जहाँ भी आप देखेंगे ब्राह्मण वहाँ पे उसको लीड कर रहा है और उसका डायरेक्ट बेनिफिट हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को मिल रहा है। मेरे साथ हमारे अध्यक्ष हैं जो कश्मीर से अपरूट हुए। आज भी इनकी इच्छा ये है कि वहाँ जो भी लोग रहते हैं, जिस धर्म और जाति के लोग रहते हैं, हम उनके साथ मिलकर कश्मीर को एक सुनहरा कश्मीर बनाएं। तो ये अपनी बात रखेंगे और हमारी जो मेन डिमांड है वो मैं इनकी बात रखने के बाद मैं उसके बारे में बात करूँगा, और फिर सुधीर भाई अपनी बात रखेंगे वहाँ के वाल्मीकि साथियों के। SC ST की तर्ज पे इस देश में SC ST और OBC कमीशन की तर्ज पे ब्राह्मण कमीशन बनना चाहिए हर स्टेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अध्यादेश लाए और पार्लियामेंट में कानून पास करे, ताकि जो ब्राह्मणों पे माइनॉरिटी होने की वजह से जो देश में जगह जगह जातियां हो रही हैं उसको रोका जा सके। दूसरा, जो ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी कश्मीर में किसी भी दबाव में आकर के इनसे छीन ली गई, उसका भी सरकार एक अध्यादेश लाए और वो सारी की सारी जो सेल है उसको निरस्त करे और ऑटोमेटिक, ताकि वो प्रॉपर्टियां जिसकी थी उनके पास चली जाए। तीसरा, कश्मीर में जो हमारे PM पैकेज में बहनें, बच्चे और बेटियां लगी हैं, उनको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और उसको लिंक किया जाए DM और वहाँ का SSP और SDM। अगर वहाँ किसी के साथ जाति होती है तो इन तीनों के खिलाफ एक्शन ले सरकार ले और इनको वहाँ टर्मिनेट करे और दूसरे सक्षम अधिकारी वहाँ पे लगाए। तीसरा, जो लोग हमारे अभी जो हिंदुओं की वहाँ मौत हुई है उनको, उनके लिए एक ठीक से मुआवजा दे, कम से कम 1-1 करोड़ रुपया सबको दे। और जिस तरीके से कश्मीर में, तमिलनाडु में और बांग्लादेश में भी जो उन हिंदुओं के साथ भी ब्राह्मण समाज और देश देश का वाल्मीकि समाज खड़ा है। आज बांग्लादेश में वहाँ मंदिर को लूटा गया, तोड़ा गया, बाहर आके हिंदुओं को मारा गया बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और हमारे जो ये मिशन है अपना हरे कृष्णा हरे रामा कृष्ण के मंदिर को जो वो किया गया इस्कॉन मंदिर के लोगों से भी मैं प्रार्थना करूंगा, अब वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। उनको भी अब सोचना चाहिए, उनके दिमाग में जो सेकुलर शब्द है उसको भी अब उनको सोचना चाहिए। अगर वहां बांग्लादेश में ये हालात कर दिए गए कि मूर्ति तोड़ी गई, पूजा नहीं होने दी और उसके बाद वहां मारा पीटा गया, मंदिरों में आग लगा दी गई, तो सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी जो हिंदुओं के साथ जाती हुई है, पाकिस्तान से हिंदू भाई हमारे आए, उन्हें कोरोना के टाइम में हमने, सुधीर भाई ने, हम लोगों ने काम किया उनके बीच में, वहां जो दशा है सरकार उस पर भी विचार करे और एक भी हिंदू पे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, अगर किसी के खिलाफ कोई एक्शन होता है, कोई भी ऐसी कौम धर्म के लोग ऐसा करते हैं, सरकार उस पर सीधा एक्शन ले। और पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो सीधा 1 सेकंड में अगर मोदी जी ठीक से देख लेंगे तो वो अपने आप एक्शन हो जाएगा। तो हमारा ये डिमांड्स हैं, आने वाले टाइम में हम सब लोग, पूरा जो समाज है,
इस एक्शन में भारत सरकार के साथ है, और फिर से हम ब्राह्मण होने के नाते इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को आशीर्वाद भी देते हैं कि भगवान उनको ताकत दे और जो मिशन उन्होंने छेड़ा है कश्मीर का उसमें पार और हमारे जो पंडित लोग हैं वहां जा पाए। सुधीर प्राचा जी और रोटी मूवमेंट के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, क्योंकि वहां वाल्मीकियों पे बड़ा अत्याचार शुरू से, यानी शुरू से हुआ, जब लेके आए उनको 200 परिवारों को, अब वो 2 लाख से ज़्यादा लोग हो गए हैं और उनकी जो हालत हुई है, अब उनको क्या क्या बेनिफिट इस 370 हटने से, 35 से हटने से, वहाँ SC ST कमीशन भी बन रहा है, उनको रिजर्वेशन भी मिल गई है, वो सारा एक सब सिचुएशन बैठ गई है। तो सुधीर भाई अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है आज ये कि पहली दफ़े इस देश में ब्राह्मण समाज और वाल्मीकि समाज साथ बैठा है, और अब ये साथ चलेगा। तो सुधीर भाई अपनी बात रखेंगे इस इशू के ऊपर। आदरणीय पंडित सुखबीर शर्मा जी, आदरणीय हमारे रमेश जी और सुधीर जी, आदरणीय हमारे, मैं आपको सबसे बड़ी बात एक बात बताना चाहता हूँ कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बारे में वाल्मीकि समाज के साथ क्या अत्याचार हुआ। सन 1957 में वहाँ पर 200 परिवारों को पंजाब से वहाँ पे ले जाया गया, जैसा मैंने अभी पंडित सुखबीर शर्मा जी ने बताया कि तुम्हें यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी, यहाँ पे नौकरियाँ दी जाएंगी, यहाँ पे आपको सारे राइट दिए जाएंगे। लेकिन उन्हें आज तक ना तो उन्हें नागरिकता मिली, ना उन्हें कोई नौकरियाँ मिली। जो वहाँ पर सर पर मैला ढोते थे, ढोने का काम उनको दिया गया। अगर वहाँ पे अगर किसी समाज ने अगर वाल्मीकि समाज को गले लगाया तो वो ब्राह्मण समाज था, जिन्होंने उनके दुख सुख को आगे दुख सुख में वो शामिल रहे, और उन लोगों ने वहाँ पे उन वाल्मीकि समाज के बच्चों को पढ़ाया, हर चीज़ में उन्हें आगे बढ़ाया। आज वो बच्चे पढ़कर कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई बहुत उन समाज के लोग अगर वहाँ पे कोई तरक्की की तो वो ब्राह्मण समाज की वजह से की। मैं आपको कहना चाहता हूँ जो सरकार ने वहाँ घोषणाएं की हैं सरकार के माध्यम से, ना तो वहाँ पे आज तक कोई SC ST कमीशन था, ना आज तक वहाँ पे सरकार सत्ता के अंदर वहाँ पे जो किसी भी SC ST को कोई भागीदारी नहीं थी। अगर अब वहाँ पे अगर सरकार वहाँ पे हमारे लोगों को वहाँ पे 84 वहाँ पे विधानसभाएं हैं, अगर वहाँ पे ये सुविधाएं मिलती हैं तो हमारे, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब अगर कोई सरकार हमारे SC ST और वाल्मीकि समाज को कोई प्रतिनिधित्व देगा, चाहे सत्ता के अंदर दे, उनके अधिकारों के अंदर दे, तो हम उनका स्वागत करेंगे। और मैं अपने माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अपने संगठन के माध्यम से, कि ब्राह्मण समाज और वाल्मीकि समाज हमेशा पहले भी एक था, और आगे ये जो गलत जो धारणाएं डालते हैं, जो लोग जहर घोलते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण और वाल्मीकि ये एक ऐसा इतिहास बनने जा रहा है देश के अंदर। पंडित सुखबीर शर्मा हमारे, रमेश जी बैठे हैं और सुधीर जी बैठे हैं, उनके नेतृत्व के अंदर के दिखा देंगे कि ये देश की आवाज़ के साथ रहेंगे, और ये समाज हर समय सेवा के लिए करबद्ध रहेगा। मैं धन्यवाद।